नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। आज रक्षाबंधन है, भाई और बहन के अटूट प्रेम वाला पर्व राखी, जिसमें बहन अपने भाई के कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर उसे जीवन भर रक्षा की कामना करती है। और आजकल तो नया ट्रेंड है जहां बहनें अपने भाई के कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है, राखी बांधती है और बांधकर उससे गिफ्ट की डिमांड करती है, पैसे मांगती है। बता दें कि आम हो या खास, हर कोई रक्षाबंधन पर अपने भाई के घर जाती, हर बहनें अपने भाई के घर जाती हैं, मिठाई लेकर जाती हैं, उन्हें उनके सिर पर तिलक लगाती हैं, फिर आरती दिखाती हैं, हाथ में राखी बांधती हैं और गिफ्ट लेकर अपने वापस घर चली आती हैं। अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के जो दूसरी नंबर की बेटी है यानी डॉक्टर रोहिणी आचार्य ने, जो कि सोशल मीडिया पर आए दिन छाई रहती हैं, हर एक चीज़ों की वो जो पोस्ट है वो सोशल मीडिया पर करती रहती है और लोगों को पोस्ट के जरिए चीज़ों से साझा करवाती रहती है। अब ऐसे में बीते दिन रोहिणी आचार्य ने एक रील्स इंस्टाग्राम पर शेयर किया जिसमें उन्होंने अपने छोटे भाई यानी बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के लिए रील्स बनाया, लेकिन रोहिणी आचार्य के रील्स पर बिहार के शिक्षकों ने खूब कमेंट किया। कमेंट किस प्रकार का, उन्होंने कहा कि हम भला, और सिर्फ शिक्षकों में सिर्फ भाई नहीं बल्कि बहनों ने भी कमेंट किया। उन्होंने कहा हम भला राखी कैसे बनाए, क्योंकि रक्षाबंधन में तो हमें छुट्टी ही नहीं मिली है। आखिर वो कौन से रील्स है जिस जो कि रोहिणी आचार्य ने अपने भाई तेजस्वी यादव के लिए बनाया, शेयर किया, जिस पर बिहार के शिक्षकों ने अपनी शिकायत रख दी। आइए जानते हैं। रक्षाबंधन पर रोहिणी आचार्य ने अपने भाई और बिहार के उप मुख्यमंत्री के लिए ट्वीट कर खूब शुभकामनाएं दी हैं, साथ ही इंस्टाग्राम पर एक रील भी बनाई है। रोहिणी आचार्य लालू प्रसाद यादव की वही बेटी हैं जिन्होंने लालू प्रसाद को अपनी एक किडनी डोनेट किया है। इसी बदौलत आज लालू प्रसाद यादव न सिर्फ स्वस्थ हैं बल्कि बीजेपी विरोधी पार्टियों की बैठक में शामिल होने मुंबई भी गए हैं। रोहिणी आचार्य की पोस्ट पर शिक्षक लिख रहे हैं कि वे रक्षाबंधन का पर्व कैसे मनाएं। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने उनकी रक्षाबंधन की छुट्टी ही रद्द कर दी है। बता दें कि पवन सिंह यदुवंशी नाम के एक इंस्टाग्राम यूजर हैं, उन्होंने रोहिणी आचार्य के ट्वीट पर लिखा है हम शिक्षक कैसे रक्षाबंधन मनाएं, घर से 400 किलोमीटर दूर स्कूल में क्या हम लोगों की बहनें नहीं हैं दीदी। शैलेंद्र कुमार नाम के एक यूजर हैं, वो लिखते हैं रक्षाबंधन की छुट्टी गायब कर दिया, हमारा रक्षाबंधन गया तो तुम्हारा भाई भी जाएगा। बता दें कि रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर तेजस्वी यादव से वीडियो कॉल कर बात भी की थी और वीडियो कॉल का स्क्रीनशॉट्स लेकर के डालते हुए लिखा है एक दूजे को है जान से प्यारे, भाई बहन के हैं ऐसे रिश्ते न्यारे, इस रक्षाबंधन हमारी यही मांग है, हर बहना का बने अभिमान तू, बिहार में कर ऐसा भाई काम तू। साथ में रोहिणी ने फलों की गिफ्ट वाली बास्केट भी पोस्ट की है। इस पोस्ट के कुछ घंटे पहले रोहिणी ने बीजेपी पर हमला बोला और लिखा है कि देश के बहनों का अगर इनको इतना ही ख्याल होता ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे गुंडे जेल की सलाखों में होते। वहीं खुद को बहन बिटिया का हितैषी बताने चला है, बलात्कारियों के संरक्षक में लोकतंत्र की मर्यादा जो लुटाने चला है। रोहिणी ने इंस्टाग्राम पर रील बनाई है जिसमें गाना इस्तेमाल किया है भाई ताकत है तू मेरी जानू आदत सारी तेरी तुझसे रोशन है मेरा जहां। तो देखिए, जहां एक तरफ बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनके छोटे बेटे यानी बिहार के डिप्टी सीएम सह स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव बीजेपी को शिकस्त दिलवाने के लिए विपक्ष की जो मीटिंग हो रही है मुंबई में वहां पहुंचे हुए हैं, मुंबई दौरे पर हैं, तो वहीं दूसरी तरफ रोहिणी आचार्य ने सिंगापुर से अपने भाई के लिए एक रील्स बनाया है, इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया है, जिसके बाद बिहार के शिक्षकों ने भी अपनी शिकायत रोहिणी आचार्य के इस इंस्टाग्राम पोस्ट पर रख दी है। उनका कहना है कि आप अपने भाई को तो राखी भेज रही हो, आप अपने भाई के लिए तो त्यौहार जो है ये मना रही हो, लेकिन हम भला कैसे मनाएं, क्योंकि हमारी तो छुट्टी आप लोगों ने रद्द करवा दी है। चलिए फिलहाल तो इस खबर में बस इतना ही, और भी वीडियोज और अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन।